आज तो अच्छा विक्टोरिया डी आया, काम लगा देंगे सारा, प्रेजेंटेशन भी लगा देना। हाँ नहीं मैं भी करवाती हूँ साथ में, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर ये साफ़ नहीं किया ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। लास्ट ईयर हमारे साथ लास्ट ईयर यही हुआ था, क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में हमने हटाया नहीं था और बाद में हमें 2 दिन लग गए थे, है ना, और तब भी प्रॉपर हुआ नहीं था। हाँ बट फिर भी अभी ऊपर ऊपर ही है, इजीली हो रहे हैं, अभी इजीली रिमूव हो रहे हैं। चलो करे काम हटा कर। और फिर कैसा चल रहा है काम? ये मैंने सारा करा है, फिर ये मैडम आके कहेगी मैंने सारा करा है, आपने क्या करा। और ऊपर से हवा इतनी तेज चल रही है ना आज, देख सकते हो आप, यहाँ पर गर्मियों में का यही होता है, गर्मियों में ना हवा चलने लग जाती है तेज बहुत ज्यादा। और ये एप्पल ट्री को बर्ड्स आ गए हुए हैं, वाइट हुआ पड़े बर्ड्स, बस आने वाले हैं, महीने नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे एप्पल। क्यों बीट रूट उधरली साइड से, इधर नहीं थे, हाँ बीन्स थी वो, बट वो खाड़ दे यार, ये सारा ना खाड़ के फ्रेश लगाएंगे सारा, कुछ कुछ नहीं रखना ये। हाँ मैं इधर ऐसे करता हूँ, बीन्स लगाने स्टार्ट करता हूँ, ये साइड तो मैंने कर दी है सारी, तो फिलहाल तो करूँ मैं स्टार्ट बीज लगाने। खिलारा पड़ा हुआ है थोड़ा सा, बट चलो काम भी करने ज़रूरी हैं, मैडम जी लगे हुए हैं, बस मैं बीज ही उठाने गया था। यहाँ पर अभी लगाएंगे बीट रूट, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे हम सारा। इधर इधर मेरे ख्याल से कितने 100+ सीड्स हैं इसके अंदर, तो बीट रूट से बहुत लग जाएंगे, है ना मेरे ख्याल से। हाँ ये लिखा है इन्होंने उसके अंदर लाग, हाँ डालकर फिर उसको दफना उसको मिट्टी के अंदर कर दे रहा है ना। हाँ मिट्टी के अंदर बस जो भी करना है, कवर एंड वाटर उसके बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। लो जी पहला स्टेप तो हो गया अपना ख़त्म, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई अभी तो ये सारा पढ़ाई करने वाला, बट चलो 30% कर दिया हमने काफ़ी ख़त्म। चलो अभी तो लगाएं पत्ते कह दिया बीट रूट, देखें कैसे लगानी है। बस फिलहाल इसको थोड़ा सा पानी डालना है, फिर उसके बाद सॉइल डाल देंगे ऊपर, ये लग गए हमारे बीट रूट्स। चलो पानी लेकर आऊँ पहले तो। पानी डाल देता हूँ, थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, कितनी तेज हवा, बहुत तेज हवा यार। लो जी अपनी एक क्यारी तो बन गई, मैडम जी अभी तक वीडी सेट करी जा रही है, गुड जॉब। क्या गोभी कहाँ लगाऊं? गोभी इधर लगाते हैं, है ना, थोड़ा सा गैप छोड़ के लगा देते हैं इधर, एक एक लाइन ही लगानी है बस, और क्या हमसे होगा ही इतना
इधर लगा देंगे बीन्स, इधर कॉर्नफ्लावर लगा देते हैं और उधर का जो है ना सारे पोटैटो के रख देंगे। हाँ चल ऐसे कर लेंगे क्योंकि पोटैटो ज़्यादा होते हैं, आलू तो फिर कंज्यूम भी ज़्यादा होते हैं। बाकी बर्ड्स वगैरह आए हुए हैं। ये कौन सी बेरीज थी इधर लगी, याद है तुझे? ब्लू बेरीज कौन सी थी? वो ब्लू बेरीज थी ना इधर लगी, ब्लू बेरी ये थी। सही है, बैकयार्ड में फ्रूट्स भी काफ़ी हैं हमारे लगे हुए। वो पे वो सेब है, ये कोई रेड बेरीज हैं, इधर ब्लू बेरीज हैं। स्ट्रॉबेरीज लगा दें इस पर, बेल ही होती है ना स्ट्रॉबेरीज? नहीं, हाँ कॉर्नर्स पे लगा देते हैं, है ना, लगा देते हैं। स्ट्रॉबेरी बीज भी ले आते हैं ना उसके भी। चलो फिलहाल तो करें काम ख़त्म जल्दी जल्दी। रहने दो, ऐसी तारीफ नहीं चाहिए मुझे। अभी इसकी मेहनत का फल हमें मिलेगा 2 महीने बाद, होपफुली। बहुत होगा ना पानी? हाँ हाँ बहुत है, कल बारिश होनी है, रात को बारिश है, बारिश है। और क्या, कल तो थंडर स्टॉर्म है और सारा दिन है। हाँ घुमाओ पाइप वहाँ से। और क्या, जो पुराने ओनर थे उन्होंने तो लास्ट टाइम लेटस लगाई थी, पर्पल बीन्स लगाई थी, ग्रीन बीन्स लगाई थी, काफ़ी चीज़ें लगाई हुई थी। वो चीज़ें हमने नहीं लगाई इस बारी, बीट रूट तो लगाया है। हाँ वैसे लेटस भी अच्छा है, लेटस भी थोड़ी सी लगा लेनी चाहिए, लेटस भी जल्दी हो जाती है। बस हाँ बस पाइप साफ कर लो, उधर ही कर लेना चाहे। ये सब निकला वहां से, अब आधा बचा है। ग्रिल बाहर रख दे ऐसे ही। इसके भी देखा हमने, इसके भी ऐसे नए ये आने लग गए बर्ड से। नहीं अंदर नहीं जाती, बाहर है ये, ऊपर से काटना पड़ेगा बस। हाँ लाइट्स रहेगी बस हमारी, अभी लगाने वाली लाइट्स लगाते हैं जी। ये है शाम का मौसम, देख रहे हो पूरा एकदम ऑरेंज हुआ पड़ा, इतना अच्छा लग रहा है ना, और ऊपर से हवा क्या मस्त लग रहा है आज मौसम। ये वाली लाइट्स लगाई थी, ये साफ करना रह गया, अभी करानी है साफ, बट चलो कोई बात नहीं। इधर एकदम से हल्का हल्का डार्क है और एकदम से इधर लाइट है पूरी। लो जी काम खत्म करके आ गए हैं, अभी फ्रंट पे थोड़ी सी लाइट्स लगाई हैं, वो अपनी सोलर लाइट्स होती हैं, वही बस थोड़ी सी लगानी थी, आगे वो भी कर लिया काम ख़त्म। आज हमने वैसे काफ़ी काम कर लिया, थक गया मतलब मैं आज तो बहुत, पीठ मेरी गई बट चलो एटलीस्ट काम हो गया।